Hello everyone, welcome to another Fan to Play Fantasy match preview. This is the big game. It's Mumbai versus Bangalore. And नहीं, big game इसलिए नहीं है क्योंकि कोहली वर्सेस विराट है, ये सब मत सोचो आप. बिग गेम इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है. वानखेड़े में गेम है तो हम थोड़ा कंफ्यूज है. एंड बिग गेम इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ग्रैंड लीग ऑप्शन है. हाउ आर यू डूइंग हाँ, निखिल भाई, एंड क्या लगता है आपको इस गेम के बारे में? और बिग गेम इसके लिए क्योंकि जो पर्पल चावला है वो विकेट ले रहे हैं। बिग गेम इसके लिए क्योंकि जो जोफ्रा आर्चर है वो विकेट नहीं ले रहा है, स्लोअर बॉल डाल रहा है वो, और आरसीबी रन बना रही, पर डेली चेस कर रही है, एसआरए चेस कर रही है राजस्थान के सामने, तो प्रॉपर जय माता दी फेज आ गया है। बट अगेन, जैसा कल था, ग्रेट गेम फॉर ग्रैंड लीग, क्योंकि लिमिटेड प्लेयर्स हैं जो कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं, बट यू हैव मेनी स्मॉल स्मॉलर प्लेयर्स हु कुड कॉन्ट्रीब्यूट बिग, तो लेस वेरी एक्साइटिंग गेम टू बी प्लेइंग ग्रैंड लीग्स। यस, सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू इट. स्टार्ट करेंगे वेन्यू कंडीशन से. तो गेम है मुंबई में एंड वेन्यू कंडीशंस में है बहुत सारे रन्स रन्स और रन्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रन्स ऑलरेडी बन चुके हैं. ज्यादा कुछ हेल्प नहीं मिली है बोलर्स को. क्या लगता है आपको निखिल भाई? लॉट ऑफ रन्स अगेन इन दिस गेम टू, बिकॉज़ क्वालिटी बैटिंग एंड बोथ टीम्स हैव बॉलिंग कंसर्न्स, स्पेशली मुंबई. बिल्कुल, और देखो जैसे कंडीशंस रहे हैं, आपको पता है चेजिंग ही सब प्रेफर करते हैं क्योंकि दे आर एबल टू कैच अप। 70-80 भी चाहिए तो कभी कभी लगता है कि भाई बन जाएंगे पिछले पांच में, एंड ये दो टीम्स के पास बॉलिंग भी ऐसी है, चलेगी तो चांद तक, नहीं तो पावर प्ले तक। तो समथिंग टू कीप इन माइंड व्हेन वी टेक लोअर ऑर्डर बैटर्स, के वो मैचअप कैसे चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी पेसर्स हैं जैसे सिराज इज वन हुज टेकन विकेट्स कंसिस्टेंटली, एंड पीयूष यादव। उसके अलावा और कोई इन दोनों टीम्स में ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसने कंसिस्टेंटली विकेट्स लिए, तो जॉश हेजलवुड विल बी वेरी हैंडी ऑन दिस डे, पर व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज द बाउंड्रीज आर स्मॉल, सो इफ यू मिस योर मार्क बोथ टीम्स हैव इनफ बैटर्स यू कैन हिट। पिछले गेम में लॉन्ग रोल भी अच्छा है, और मैक्सवेल का आई थिंक एवरेज आउटसाइड चेन्नई स्वामी इज इन सिंगल डिजिट्स, बट दिस इज द बेस्ट वेन्यू फॉर हिम टू कम गुड। पर अगेन, आई थिंक कंडीशंस के हिसाब से तो रन बनने चाहिए। Do watch out for a sticky wicket because then that could bring everybody in the game. Every bowler will then be part of the contest. So normally runs बनते हैं, but yeah, pitch report ध्यान तो देना पड़ेगा। भले सुने नहीं, पर देखना तो पड़ेगा। यस, यहाँ हमने देखा था जो प्रीवियस बिग गेम था मुंबई चेन्नई वाला एंड वानखेड़े, वहाँ स्पिनर्स को मदद मिली थी. एंड दैट डे वाज अ डे जहाँ पे स्कॉचिंग हीट थी दिन में. तो अगर हमको स्कॉचिंग हीट यहाँ दिखे तो हम आपको बता देंगे. एंड ये है ग्राउंड डायमेंशन, ऑब्वियसली आपको पता ही है यहाँ पे बहुत सारे सिक्सेज हिट होते हैं. एंड एक साइड तो 58-54 मीटर है, सो यू कैन एक्सपेक्ट लॉट ऑफ रन. एंड अब चलते हैं बेस टीम की तरफ. सो वी स्टार्ट विद द बेस टीम एंड स्ट्रेट टू द कीपिंग सेक्शन, जहाँ पे आपके पास एक ही डिसेंट चॉइस है. ईशान किशन, दिनेश कार्तिक का जो पोजीशन है तकलीफ है, अनुज रावत की पोजीशन अप्रोच सब तकलीफ है. एंड ट्रिस्टन स्टब्स को आप जीएल में ट्राई कर सकते हो क्योंकि लास्ट मैच में बॉलिंग की है, बट यहाँ पे बहुत सारे राइट हैंडर है तो यहाँ भी हाँ, बॉलिंग कर लिया तो फिर मतलब देन आपका दिन अच्छा है, और क्या बोल सकता हूँ. बस मैं यही बोलने वाला था, इधर भी बॉलिंग करके विकेट लेके जाता है तो फिर भाई यूजी साहब टू फोल्ड योर हैंड्स एंड से थैंक यू सो मच। यस, सो दैट्स द कीपिंग सेक्शन, नथिंग मच टू डिस्कस. बैटिंग सेक्शन, एवरीथिंग टू डिस्कस, बिकॉज सारे ऑप्शन यहीं पे हैं. सूर्य कुमार यादव, फैफ डुप्लेसी, विराट कोहली, तिलक वर्मा, सबको आग बंद करके ले सकते हो. तिलक डिडंट प्ले द लास्ट गेम, बट एक्सपेक्ट करें कि वापस आ जाए क्योंकि उन्होंने मेंशन किया था इलनेस है, कोई इंजरी नहीं थी. उसके अलावा लोमरो लास्ट मैच में रन बना के आए, निहाल वगैरह लास्ट मैच में रन बना के आए, टिम डेविड का एक स्ट्रॉन्ग फिनिश था, एंड केदार जाधव जो लास्ट मैच में कमबैक किए उनको बैटिंग नहीं मिली, तो हम बोल भी नहीं सकते कि उनका फॉर्म खराब है तो इसलिए ड्रॉप कर दिया. सो सर, दिस इज द गेम वेयर यू वांट टू गो विद टू मोर बैटर्स. या बिल्कुल, और कैसा है कि जो ऑप्शंस हैं, मैं प्योरली सिनेरियो बेस्ड जाने वाला हूँ। इस गेम में एक टीम से काम नहीं बनने वाला, दो टीम बनेगी, एक बनेगा जो प्योर चेजिंग टीम को बायस होके बनेगा और दूसरा शायद एक बैलेंस टीम बनेगा। तो जो चेजिंग बायस है उसमें मैं टॉप थ्री को ले लूंगा, और अगर वहां पे मुझे मैचअप लग रहा है तो फिर मैं वहां पे, अगर तुम ही देखो, सी द सिंपल पॉइंट इज आरसीबी आर डिपेंडेंट ऑन थ्री बैटर्स, तो वो तीन तो आपकी टीम में दोनों टीम में रहेंगे। तो मुंबई से जो बैटर आप ले रहे हो, दैट टू मी इज द गेम, कि आप तिलक को बैक कर रहे हो, टिम डेविड को बैक कर रहे हो, रोहित शर्मा को बैक कर रहे हो। रोहित को बैक करने का डर खाली यही है सिराज का, कि वो सिराज बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा है और रोहित हाई इंटेंट शॉट्स खेल रहा है,
तो जॉश हेजलवुड सिराज कैन कीप रोहित डाउन, इफ रोहित गेट्स गोइंग तो भी आपको फिर वैसा बेनिफिट है, तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड है। तो चलो पहला ग्रैंड लीग ऑप्शन यहीं पे हो गया रोहित शर्मा का, पर क्योंकि वर्थ है और डेस्परेट होंगे, एक बड़ा परफॉर्मेंस रोहित शर्मा नॉक नहीं आया, 150 पहले आया था टूर्नामेंट में, एक और की जरूरत है उन्हें, तो ये सब तो आई थिंक तभी की टीम में होंगे जो तीन हमने ऊपर डिस्कस करे, तिलक टीम और रोहित में से जिसको भी आप लेना चाहो ले सकते हो। निगर वगैरह मुझे नहीं पता वापस उन्हें प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो एंड सेम इज द केस विद लॉन्ग रन। यस एब्सोल्युटली, एंड निखिल भाई ने कहा कि RCB is dependent on the top three, but if we remember there was the last game, यहाँ पे जो last game हुआ था, जो साहबजादे आपको अब screen पे दिख रहे हैं, यहाँ पे इनका जो last memorable game था वहाँ पे ये हुआ, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि ये वापस यहाँ इनका खेलना likely है, so keep KDR in mind, and अब चलते हैं बाकी की options की तरफ, and before I get to rest of the options, हमने सोचा कि captain में आपको थोड़ा अलग स्टाइल में रिवील कर दूं आज, क्योंकि आज मेरे कैप्टन गोल्ड नहीं ब्लैक में है, मेरे कैप्टन है ग्लेन मैक्सवेल, एंड निखिल भाई ग्लेन मैक्सवेल एज कैप्टन ऑब्वियसली नॉट ओनली रैरियो बट फ्रॉम फैंटेसी पर्सपेक्टिव। या आई थिंक द इशू विद हिम, जैसे हमने बोला बहुत हाई इंटेंट प्लेयर है, तो दो गोल्डन डक देके गया भाई, दो बार कैप्टन बनाया उसको जब, तो बहुत रिस्की है पर वर्थ है, क्योंकि बॉलिंग करेगा, कैचेस बहुत पकड़ता है वो, तो वैसे देखा जाए तो ज्यादा रिस्की ऑप्शन नहीं है, पर स्मॉलिक के लिए शायद थोड़ा ज्यादा रिस्क हो जाए, पर हाँ मिनी जेल टीम्स में बिल्कुल मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, क्योंकि ऊपर किशन है, तिलक है, निहल वगैरह भी है, तो बोलिंग मिलनी चाहिए, तो वैसे देखा जाए तो ही विल बी वन ऑफ द कॉमन ऑप्शंस, बट फॉर्म बस थोड़ा साथ में नहीं। यस एब्सोल्युटली, तो ये होगा हमारी कैप्टन की बात, उसके अलावा रैरियो पर अभी साइन अप कर लीजिए, 1600 साइन अप बोनस आपको मिल जाएगा, 16 लाख के रिवॉर्ड है हर फ्री कॉन्टेस्ट में, एंड कीप इन माइंड कि यहाँ पे मैंने हसरंगा को लिया हुआ है, क्योंकि फैफ एक और अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, तो वो रिवील करूंगा कि मैं आगे की फैंटेसी की टीम में कि कौन हो सकते हैं यहाँ से मेरे फाइनल पिक्स, क्योंकि वो थे सिर्फ मेरे डमी चॉइसेस। तो चलते हैं आगे की ऑलराउंडर्स की तरफ, यहाँ पे है कैमरन ग्रीन एंड ग्लेन मैक्सवेल, दोनों ही अच्छी चॉइसेस हैं एंड दोनों सबकी टीम में रहेंगे, हसरंगा का फॉर्म कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो इसलिए हमने नहीं पिक किया अभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि ड्यू भी होता है एंड साथ साथ में यहाँ पे स्पिनर्स को इतनी खास मदद नहीं मिली एक्सेप्ट फॉर दैट वन चेन्नई गेम, इनफैक्ट वी कैन इवन गो टू से कि मे बी ब्रेसवेल कम्स बैक ऑन सच अ ट्रैक जहाँ पे बैटिंग इज विल बी द की। बिल्कुल, तो ये बस एक मैचअप बहुत बहुत क्रूशियल है मेरे लिए, कि अगर ब्रेसवेल खेलता है तो फिर मैं मैक्सवेल को कैप्टन नहीं बनाऊँ, क्योंकि ब्रेसवेल खेल रहा है तो शायद जो बॉलिंग ड्यूटीज है वो मैक्सवेल नहीं ब्रेसवेल करेगा, तो वो बस एक चीज ध्यान में रखना, और हसरंगा अगेन सॉरी टू पुट आउट इन नाउ ओनली कि दूसरा ग्रैंड लीग पिक होगा, डिस्कस बाद में करेंगे। चलो ठीक है, ग्रैंड लीग पिक्स हो गए, अब चलते हैं बोलर्स की तरफ, पीयूष चावला, हर्षल पटेल, सिराज एंड हेजलवुड, ऑब्वियसली यहाँ पे सारे चॉइसेस अच्छे, आपका ओनली पॉइंट ऑफ डाउट माइट बी हर्षल बेस्ड ऑन फॉर्म, बट हमें पता है कि यहाँ पे जो दूसरे चॉइसेस है जोफ्रा आर्चर भी कुछ खास फॉर्म में लगे नहीं है, तो मे बी विल गो फॉर वन बिटवीन जोफ्रा एंड हर्षल हूएवर बोल्स फर्स्ट, क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटी आ जाएगी डेथ में, उसके अलावा हर्षल हैज गुड नंबर्स अगेंस्ट रोहित, बट देन वी नो अगेन दैट हर्षल कम्स इन द डेथ व्हाइल that matchup might not activate at that point, kyunki if Rohit is staying till the death then he's already provided the impact that he needs to, while another interesting matchup for this game is Siraj versus Kishan, he's dismissed him twice and strike rate bhi about 110 ka hi hai, so that will be one matchup to watch out for, while the other matchup will be like Nikhil bhai mentioned with Purple Piyush, he has multiple matchups in this game. He's got Kohli out thrice, strike rate 130. He's got Maxwell out thrice, strike rate thoda zyada hai, 140. He's got Faf out twice, wahan bhi strike rate 94. And he's got Karthik out twice. Matlab, humare jo sare top matchups wali sheet hai, wahan pe sirf Chawla hi Chawla chaye hue hai. And while Archer also has matchups, unka wo flow ab tak laga nahi hai, rhythm nahi laga wo with the ball. Yeah. Bilkul, to Chawla also be a good option for you to try as your captain vice captain, not kidding, I don't think it's a joke ke bhai matlab mazak nahi chal raha hai, phone uthane wala meme hai ke wo wickets le raha hai, aur ab kitna bhi underestimate karo unhe, hum sab kar rahe hain, par he's been able to take wickets consistently, to ab agar itna bada chara diya hai to shayad wo wicket ek bhi wicket na le is game mein, par it still doesn't feel likely ki wo wicket nahi lega,
क्योंकि पीपल आर लुकिंग टू टेक हिम ऑन एंड दे आर लूजिंग देयर विकेट्स टू हिम. तो कॉमन ऑप्शन तो यही दो हैं इन टर्म्स ऑफ कैम ग्रीन एंड मैक्सी. ऑफ कोर्स फाफ विराट सब बना के आएंगे. स्काई भी अच्छे विकल्प हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं ये गेम इट्स ग्रेट फॉर ग्रैंड लीग्स क्योंकि बहुत ऑप्शन है आपके पास. यस एब्सोल्युटली. तो चलते हैं ग्रैंड लीग ऑप्शंस की तरफ. So grand league choices for this game, and I think that it's time to back the batters finally. So it's time to back Tim David. I think Hasaranga ka form kuch khas nahi hai. Saath saath mein, I don't know if he's going to come on at the time jahan pe Karan Sharma ke koi overs bache bhi honge, and death mein Harshal ka bhi form theek nahi chal raha hai. So if there's a phase and ground and conditions where Tim David should work, it should be this. The matchups also in his favor. बस आप उसको ऐसा मत, I don't know कौन ये सोच रहा है वो think tank में कि वो खाली 8-10 ball खेलने के लायक है. He should be playing many more balls than that. क्योंकि आप कितने भी अच्छे player हो, we have seen this with the best finishers, whether it's Dhoni, Michael Bevin, सबको थोड़ा सा time तो लगता है settle होने में. ऐसा नहीं होगा कि वो दूसरे ball पे आके हर बार six मार दे. So he is my first pick for today. And second pick for today is again the speciality that I have been keeping across previews, picking off the bench. So last game mein Avesh tha, and Avesh ka wo jo matchup tha Saha wala wo activate bhi ho gaya, and he was the best pacer of the day even though wicket ek hi liya, but chalo theek hai. Aaj ka mera pick hai Michael Bracewell. Again I'm hoping ki aa jaye wo, and that also teaches me a lot about life, how back in June I was refusing to take him from any team kyunki he was batting 5 down and I was like kya karega off spin se, and ab main usko grand league pick bol raha hu jab wo playing 11 mein bhi nahi hai. So that's life. Bilkul, but just be careful kyunki KKR jaisi teams hain jo bahut zyada smart hai aur wo Suyash ke badle Anukul Roy ko leke aati hain. So please agar koi sub hai, even Rampart didn't come yesterday even though humko laga tha slow track hai wagera wagera. Exactly. तो ओबेद आए, उनको यूज किया एक ओवर के लिए. अलजारे जोसफ आए, उनको यूज किया एक ओवर के लिए. तो टीम बहुत छानी बन रही है. तो आप भी प्लीज टेक दैट रिस्क वेरी वेरी अकॉर्डिंगली क्योंकि आई डोंट थिंक इट इज वर्थ इन योर टीम वन एटलीस्ट. टीम टू में हाँ आप रिस्क ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर टीम वन के लिए मुझे लगता है रिस्क बहुत बड़ी है फॉर यू टू टेक क्योंकि टीम मस्ती करेंगे, इट्स नॉट वर्थ इट. सो प्लीज बी केयरफुल इन दैट सेंस. मैंने मेरे पहले पिक तो बताती थी ग्रैंडली की रोहित शर्मा. He needs a big score, और वानखेड़े में नहीं तो कहाँ, और RCB के सामने नहीं तो कहाँ. तो matchup सब कुछ होगा, but I just get a feel that he has to come good, so hopefully he will. And हसरंगा हमने बात करी, पहले इनिंग में हसरंगा को मैं बैक करूँगा if he's bowling first, क्योंकि I expect him to be used as an attacking option. तो पिछले गेम में भी उसने ओवर डाले थे पूरे, apart from Siraj and Josh. तो जॉर्ज को भी बहुत लेट में आता. तो मिडिल ओवर्स जब जहाँ पे इफ स्काई इज लुकिंग टू टेक पीपल ऑन या तिलक वर्मा चल रहे, तो हसरंगा को वहां पे चांस मिल सकता है. बट फॉर्म नहीं है उसका भी. तो दोनों ऐसे प्लेयर है जिनका फॉर्म नहीं है, पर बैक कर रहा हूँ प्योरली बेस्ड ऑन देयर पोटेंशियल. यस एब्सोल्युटली. तो ये रहा हमारा आज का प्रीव्यू. थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु ट्यून्ड इन. एंजॉय द बिग गेम, एंड जस्ट फॉर फन टेल अस इन द कमेंट्स आपको क्या लगता है आज कितने रन बनाएंगे विराट कोहली, बता देना कमेंट सेक्शन में. And like always, जैसा हमारा हेरिटेज है, सर बताएंगे आपका क्या प्रेडिक्शन है आज का. यार मैं तो बोलूं रोहित और विराट दोनों 50-50 प्लस स्कोर करें तो मजा आ जाएगा, गेम लाइट अप हो जाएगा एकदम. यस एब्सोल्युटली. तो यही रहेगी हमारी आज की उम्मीद, एंड साथ साथ में याद रखिएगा कि दिस गेम माइट बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की. सो रिस्पॉन्सिबली खेलेगा, इंजॉय करेगा, एंड साथ साथ में आप पेड कॉन्टेस्ट नहीं खेल रहे हो तो फ्री कॉन्टेस्ट बहुत सारे लाइव है जो ऐप्स हमने लिंक डाले हुए डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ इंजॉय करो, एंड जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस. सी यू.